अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास एक दो हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से फेशियल नर्व के, यानी कि इसमें हाइपरकाइनेटिक का मतलब है जरूरत से ज़्यादा फेशियल नर्व की एक्टिवेशन होगी, ठीक है, उन डिसऑर्डर्स में ऐसे कौन से हैं। और दूसरा फिर अगला जो मेरे पास इसमें टॉपिक होगा जो कवर करूँगी वो है सर्जरी किस तरह करनी है, हमने मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं मेन मेन। खाली जनरल ओवरव्यू आपको होना चाहिए इसके बारे में, बहुत डिटेल जानने की इस लेवल पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर खास जरूरत नहीं होती। ओके, सबसे पहले हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। हाइपरकाइनेटिक का मतलब ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब मोर देन नॉर्मल, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा फेशियल नर्व की एक्टिवेशन या उसकी कंडक्शन चल रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या मसले आ सकते हैं। सबसे पहला मसला हेमीफेशियल स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब होता है, आपको पता है कि एक जगह का ना जकड़ा जाना, आप ज़्यादा आसान अल्फाज में कि स्पैज्म का मतलब होता है मसल। सपोज आपके स्पैज्म में जब चले जाते हैं तो मसल की एक्टिविटी नहीं हो पाती बल्कि वो एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। और हेमीफेशियल का मतलब है हेमी मतलब आधा और फेशियल मतलब फेस, यानी आधे फेस के मसल्स का स्पैज्म हो जाए। अब ये क्या चीज़ होती है कि हमारे पास स्पैज्म नहीं हो जाता, ये नाम है उस कंडीशन का। और इसमें होता क्या है कि आपके किसी भी एक साइड ऑफ फेस पे अनकंट्रोलेबल रिपीटेड ट्विचिंग्स आने लगते हैं। सपोज ये मेरा फेस का आधा हिस्सा है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को ना मतलब बहुत आदत होती है, आप उन्हें देखते हैं कि एक साइड ऑफ फेस उनकी मतलब मुसलसल हिल रही होती है, लाइक ट्विचेज आ रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है, और बहुत कॉमन होता है, आपकी फैमिली में भी शायद किसी को ऐसा होता हो। तो एक्चुअली वो उसके उनके कंट्रोल में नहीं होता, याद रखना ये इनवॉलेंट्री नेचर होता है। और दूसरी बात ये कि ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं मोस्ट कॉमनली। कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये कि एक रिदम में आते हैं, लाइक एक टाइम पीरियड होता है खसूसन टाइम पीरियड होता है जिसके बाद दोबारा रिपीट होता है ट्विच। फिर सपोज जितना भी एक या दो मिनट का टाइम है तो दो मिनट के बाद अगला ट्विच आएगा, फिर दो मिनट के बाद अगला ट्विच आएगा, तो ये होता है हमारे पास ट्विचेस का एक पैटर्न होता है। तो ये अनकंट्रोलेबल इनवॉलेंट्री रिपीटेड ट्विचेज ऑन एनी साइड ऑफ द फेस, लाइक आधे फेस के होंगे, तो उसे हम कहते हैं हेमीफेशियल स्पैज्म। अब इसकी दो तरह क्यों क्यों होता है ये, एक तो इसका सबसे जो ज़्यादा कॉमन कॉज है वो इडियोपैथिक है, लाइक हमें नहीं पता चलता कि क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा इसका कॉज जो सेकेंडरी टू एनी डिजीज है, अब होगा क्यों, आप खुद सोचें कि फेशियल नर्व किसी लेवल पे वो वाला लेवल जहाँ पर वो आके आपके फेस मसल्स को सप्लाई कर रही है, वहाँ पर मुसलसल कहीं पर फेशियल नर्व इरिटेट हो रही है। जाहिर सी बात है कि नर्व तभी एक्टिवेट होती है जब वो इरिटेट हो, या तो हम क्योंकि हमारे सारे फेशियल मसल्स हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, या तो हम खुद जब ब्रेन मैसेज भेजेगा हम चाहेंगे किसी एरिया को मूव करना, मतलब फेस के एरिया को, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आंखें बंद करना चाहूँगी या मैं अपने माथे पे सिंपल से बात है माथे पे तेवरी चढ़ाना चाहूँगी, अब मैं सोचूंगी उस बारे में, ब्रेन को मैसेज जाएगा और ब्रेन फेशियल नर्व के थ्रू वो काम एग्जीक्यूट कराएगा, तो होगा। एक तो ये तरीका, ये वॉलंटरी कंट्रोल है। दूसरा ये कि फेशियल नर्व किसी भी जगह पर, अब उसका जो इतना लंबा चौड़ा पाथवे है उसमें किसी जगह फेशियल नर्व को कोई चीज़ मुसलसल इरीटेट कर रही है, इरीटेट करेगी तो ज़ाहिर है वहाँ पर कंडक्शन होगी और फाइबर्स आके आके सप्लाई करेंगे, तो वो हमें ट्विच की फॉर्म में शो होंगे, बिकॉज हम नहीं चाह रहे, लेकिन एक एक जगह पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फेस में। अब वो क्यों क्यों उसको इरीटेट कर सकते हैं, अब आपको पता है कान से गुजर रही है हमारी फेशियल नर्व, ठीक है। अब कान में अगर कोई ग्लोमस ट्यूमर मतलब कोई ट्यूमर बना हुआ है जो फेशियल नर्व को इरिटेट कर रहा है, तो भी वो हो सकता है ये सब। अभी एक कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे जिसपे मैं अलग से पूरी वीडियोस बनाऊंगी, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ठीक है, ये भी एक आप समझे ट्यूमर टाइप कंडीशन होती है, कान में ही होती है ये भी, इसकी वजह से हो सकता है। फिर बहुत कॉमन कंडीशन कोलेस्टेटोमा, कोलेस्टेटोमा जो आपके क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटिस मीडिया में बन जाता है, वो इतना सवेर हो कि आपके फेशियल नर्व इरिटेट कर रहा हो, तो भी आना शुरू हो सकते हैं आपके ट्विचेस, ठीक है। अच्छा, और बहुत ज़्यादा इस वजह से होते हैं, मतलब सिर्फ कान के लेवल पे नहीं, सपोज हमारे पास जहाँ पर से नर्व निकल रही थी तो वो निकल क्या होता है पोन से निकलती है, जब सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल से उसने आगे से निकलना होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, तो सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल से जब वो एब्ड्यूसेंट नर्व के लूप करके निकल रही है, अगर इस लेवल पे कोई भी हिमाटोमा या किसी भी किस्म की लीजन है जो यहाँ पर इसको इरिटेट कर रही है, तो इसकी वजह से भी आपके ट्विचेज आ सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस जो होते हैं सेकेंडरी केसेस वो इस बात के होती हैं, 90% केसेस जो हैं वो हमारे सेरिबेलो पॉन्टाइन एंगल की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। इस लेवल पर आपको इसके जो लूप है यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ इरिटेट कर रही होती है, कोई हिमाटोमा है, कोई कंप्रेसिव नेचर की कोई भी चीज़ है, तो मैक्सिमम जो सेकेंडरी केसेज हैं वो यहाँ के होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये ट्विचेज आते हैं। फिर इनको हमने ट्रीट कैसे करना होता है कि हम या तो बॉटुलिनम टॉक्सिन, आपको पता है कि हमारे पास आपने फार्मा में पढ़ा होगा कि एक टॉक्सिन होता है बॉटुलिनम जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली आप समझे एक नर्व ब्लॉकर होता है, ठीक है। जो बॉटुलिनम होता है ना उसका काम ये होता है ये एक टॉक्सिन है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है नर्व की, ये क्या करता है कि ये आपके ट्रांसमिटर को रिलीज ही नहीं होने देता, जब न्यूरो ट्रांसमिटर रिलीज ही नहीं होगा तो नर्व कंडक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी वजह से कंडीशन बेहतर हो जाती है। एक तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरा फिर हमारे पास ये होता है कि हम जिस जगह पर मसला आ रहा है वहाँ पर पंक्चर करने फेशियल नर्व को उस नीडल से थोड़ा थोड़ा, ताकि उसको थोड़ी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है। दूसरी हमारी ब्लेफरोस्पैज्म, ब्लेफरोस्पैज्म है कि
आंखों का, ठीक है, आंखों का इनवॉलेंटरीली पक्का बंद हो जाना और वो ना खुल पाना, ठीक है। अब आपकी अंदर से आईसाइट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी आईलिड्स ही पक्की क्लोज हो गई है, लाइक फोर्सफुली क्लोज, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे से जोर से बंद कर लेते हैं हम आंखों को, उस तरह आप आंखें बंद होंगी तो जाहिर पर्सन को ब्लाइंडनेस हो जाएगी ना, फंक्शनल ब्लाइंडनेस, ऐसी ब्लाइंडनेस को हम कहते हैं कि आईलिड्स अंदर से, सॉरी, जो आंख का फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन आईलिड्स ही नहीं खुल रही, तो पर्सन देख कैसे, जैसे फंक्शनल ब्लाइंडनेस। अब ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलेंटरीली होता है। और क्यों होता है कि अगर जो फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है आपके जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई और जो इस एरिया के आईलिड्स के मसल को सप्लाई कर रही है, अगर वो एक्सेसिवली इरिटेट हो जाए, सिर्फ वो पोर्शन फेशियल नर्व का जो आई के मसल को सप्लाई कर रहा है, तो फिर आंखें फोर्सफुली जरूरत से ज्यादा बंद हो जाती है और उस कंडीशन को हम आंखों के बंद होने को कहते हैं। ब्लेफरो का वर्ड होता है आईलिड्स के लिए इस्तेमाल, और स्पैज्म का मतलब होता है आईलिड्स में स्पैज्म आ जाना, ठीक है। तो ये बड़ी ही डेंजरस कंडीशन इस वजह से होती है कि आपको पता है नजर ना आए पेशेंट को, तो इससे ज्यादा ये भी एक बहुत ही खराब बात होती है। फिर इसको भी हम बॉटुलिनम टॉक्सिन, हम टॉक्सिन के तौर से ठीक करने की कोशिश करते हैं कि अगर उससे कंडक्शन ब्लॉक हो जाए यहाँ पर तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर हमें जो आई के मसल्स को सप्लाई कर रही है फेशियल, उसको कंप्लीट सेक्शन करना पड़ता है क्योंकि हम आईलिड्स को बंद मुसलसल नहीं रख सकते पेशेंट की। अब अगला पार्ट मैं बताती हूँ सर्जरीज। अच्छा, काम करती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी सर्जरीज, मैं आपको ना नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।